सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और वन औषधि गुड़मार बूटी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह जो गुड़मार बूटी है यह है एक बहुत ही अच्छी औषधि है शुगर के लिए। शुगर और भी इसके कई सारे प्रयोग है, लीवर कफ नाशक होती है, इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। आज हम आपको इसी के गुड़मार बूटी के बारे में बताएंगे। यह है किन किन रोगों में काम करती है, क्या इसका स्वभाव होता है, कैसे इसका प्रयोग करना होता है और आप इसको किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी सारी जड़ी बूटी के बारे में हम रिव्यू करते हैं और वो सभी जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाती। आपको किसी भी आयुर्वेदिक या देसी जड़ी बूटियों की आवश्यकता है और नहीं मिल रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक बैद्यनाथ हमदर्द रैक्स जैसी किसी भी आयुर्वेदिक औषधि को घर बैठे मंगवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं गुड़मार बूटी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये गुड़मार बूटी है और ये पत्ते होते हैं, एक झाड़ी प्रकार के, ये इसका जो पौधा होता है झाड़ी सी प्रकार का होता है और उसी के ये पत्ते होते हैं। दोस्तों, ये जो पत्ते आप अभी देख रहे हैं ये पत्ते काफ़ी गुणकारी होते हैं और इसी का इस्तेमाल औषधीय रूप में किया जाता है। इससे पहले हम आपको इसके लाभों के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको इसके नाम के बारे में बता देते हैं। अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। गुड़मार बूटी इसका एक प्रसिद्ध नेम है, जो हिंदी में इसको गुड़मार बूटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम काबली कर दोड़ी के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अलावा इसको दुद्धी लता या गुड़मार के नाम से जाना जाता है। अलग अलग इलाकों के हिसाब से नाम थोड़ा अलग भी हो सकता है। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, बात करें इसके उपयोग की, किन किन रोगों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका विशेषकर जो इस्तेमाल होता है वो मधुमेह और शुगर रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा इसका प्रयोग है। ये जो शुगर रोगी होते हैं उनके लिए तो अमृत के समान ये जड़ी बूटी होती है। इसके अलावा ये कई सारे रोगों में काम करती है, जैसे कफ नाशक है और कफ और वात के जो रोग होते हैं उनको ये नष्ट करती है। इसके अलावा लीवर को शक्ति देती है, हृदय को शक्ति देती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पथरी रोगों में भी किया जाता है। यह बावसीर मधुमेह शुगर रोगियों के लिए भी बहुत ही अच्छी और अमृत के समान जड़ी बूटी है। इसके इस्तेमाल से टाइफाइड रोग भी ठीक होता है और इसको अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं तो यह पीलिया रोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके इस्तेमाल से पेशाब खुलकर आता है और यह पथरी रोगों के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। इसका इस्तेमाल से पथरी जो होती है वो टूट टूट कर पेशाब के रास्ते से निकल जाती है। इसका इस्तेमाल आप कुछ दिन लगातार करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप इससे ले पाएंगे। इसके अलावा यह पीलिया साधारण विष को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में अगर आप कर लेते हैं तो यह आपके शरीर में जलन पैदा कर सकती है, तो आप इसका इस्तेमाल एक सीमित मात्रा में ही करें। इसकी जो मात्रा होती है वो 1 से 3 ग्राम तक की होती है और ये नुस्खे के हिसाब से या रोग के हिसाब से भी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। आप अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें इसके प्रयोग की, आप इसका प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। तो आप इसको अगर अकेले प्रयोग करना चाहें तो आप इसकी 1 से 3 ग्राम की मात्रा पाउडर इसको करके आप इसको पानी के साथ खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। इस तरह से प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप इसको योग के रूप में इसको किसी जो एक पूरा चूर्ण का एक फॉर्मूला होता है या और तरीके से यूज करना चाहें तो उन औषधियों के साथ इसको प्रयोग कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर एक नुस्खा बता रहे हैं जो आप मधुमेह में प्रयोग कर सकते हैं। आपको गुड़मार बूटी लेनी है 50 ग्राम, इसके अलावा सौंठ लेनी है 20 ग्राम, इसके अलावा आपको जामुन की गुठली 25 ग्राम और इन तीनों का आप पाउडर कर लीजिए और आप इसकी 3 ग्राम की मात्रा आप इसको सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर लेते हैं तो यह शुगर के रोगियों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करती है और शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसका आप लगातार अगर इस्तेमाल करते हैं तो यह शुगर को जड़ से ख़त्म कर देती है।
लेकिन आपको इसके साथ कुछ परहेज भी करने होते हैं। बाहर का जो खाना होता है बिल्कुल बंद रहेगा। इसके साथ साथ आप इसका जो प्रयोग जब करेंगे तो आपको जो मीठी चीज़ें हैं वो भी बंद रखनी पड़ेगी। और सबसे ज़रूरी है, आप जब भी इस नुस्खे का प्रयोग करें तो आपको खाने के स्थान पर आप जितनी ज़्यादा हरी सब्जियां और फल जो आप खा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसका एक नुस्खे के बारे में जो आप मधुमेह के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे में आपको ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप जामुन के पत्ते आपको 6 ग्राम लेने हैं और गुड़मार बूटी आपको 6 ग्राम लेनी है। ये है, आप इसका जो काढ़ा बना करके आपको इसको लेना है, 400 ग्राम पानी में पकाना है। जब 100 ग्राम शेष रह जाए तो आपको उतार करके इसको पी लेना है। ऐसा आपको सुबह शाम करना है। आप इसको खाली पेट या खाना खाने के बाद दोनों ही तरीके से ले सकते हैं। ऐसा आप कुछ दिन लगातार करेंगे तो आपकी जो शुगर है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आप इसको रेगुलर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नुस्खा था शुगर रोगियों के लिए। इस तरह के कई सारे नुस्खे हैं जो हम आपको आगे इसी चैनल के माध्यम से शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यह थी जानकारी गुड़मार बूटी के बारे में। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।